21 डेज, यानी 21 दिन का लॉकडाउन। जैसे कि आज 4 दिन जा चुके हैं, आज 5वां दिन है और हमारे पास अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। तो ये क्या है लॉकडाउन? मतलब हमारी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा के लिए जो पीएम मोदी जी ने कदम उठाया लॉकडाउन का, वही है। तो जो 21 दिन है, 17 से 18 दिन जो बचे हुए हैं, उनमें हम क्या कर सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन हमारे लिए एक मौका है, एक चांस है। इस पर डांस कर लो यार। अगर आपने इस चांस पर डांस कर लिया तो मैं गारंटी से दे सकता हूँ कि लाइफ अमेजिंग होने वाली है। जरा सोच के देखिए, पिछले कुछ दिनों में जब हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल में बिजी रहते थे, तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक बात आती थी, यार हमें 2 दिन की छुट्टी मिल जाए, यार इस बार संडे आ रहा है, हम संडे को है ना मैथ्स उठाएंगे, हम मैथ्स को कंप्लीट करेंगे, मैथ्स का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, इस बार इंग्लिश उठाएंगे, इंग्लिश को कंप्लीट रिवीजन करेंगे, इस बार ये उठाएंगे वो उठाएंगे और उससे हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो ऐसा कई बार हमारे दिमाग में वो आइडियाज आता है, हम लोग अपने बिजी स्केड्यूल में से कहीं ना कहीं वो फ्री टाइम जाते हैं जब हम अपने आप को टाइम दे पाए और अपने छूटे हुए कुछ चीज़ों को कंप्लीट कर पाए, बट ऐसा नहीं होता। तो उससे 21 दिन का टाइम हमारे लिए ज़बरदस्त है। भगवान ने ये 21 दिन का टाइम हमारी लाइफ में कभी दोबारा आने वाला नहीं, जब हम अपने घर में रहेंगे, हमारे पास कोई काम नहीं है, राइट? तो इस 21 दिन में हम चांस या अपॉर्चुनिटी को कैसे तलाशें? 21 दिन आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए जबरदस्त है। अब सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है? खुद पे काम करना। हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं, हम दो तरह पे हमेशा काम करते हैं। एक होता है हमारा पेट, जिसे हम डेली खिलाते हैं और अपने शरीर को बड़ा करते जाते हैं धीरे धीरे। एक होता है हमारा ब्रेन, जिसे शायद हम नहीं खिलाते। जितना ज़्यादा हम ब्रेन को खिलाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे और उतना ही ज़्यादा वो ब्रेन हमें कमा के देगा या हमें उन ऊंचाइयों तक लेके जाएगा जो हमारे कभी सपने हैं, राइट? तो वो क्या हो सकता है? तो वो जो ब्रेकडाउन है या वो जो मौका है, वो मौका ये है कि हम अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए ढूंढिए। आपकी बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ी हैं जो धूल चाट रही हैं, जो ज़बरदस्त है, अमेजिंग है, जो आपका वीक पोर्शन है उस पर काम करना शुरू कीजिए। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम इन्हें मत देखिए। टीवी, जिसमें टीवी को देख के अपना टाइम दिल मत कीजिए, क्योंकि ये समय दोबारा आने वाला नहीं है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, हर व्यक्ति आज डेट में टिकटॉक पे वीडियोस बना रहा है और हर मोबाइल ग्रुप में क्या आ रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में बस वही चीज़ आ रही है, कोरोना कोरोना कोरोना, अलग अलग वीडियोज, कहाँ किसी को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें देख देख के भी पक चुकी है। आप सुबह से हैं तो भी वही चीज़ें मिलने वाली है, 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद खोलते हैं तो भी एक्स्ट्रा मैसेज के साथ में वही चीज़ें मिलने वाली है। एक ग्रुप में जो चीज़ वायरल हो रही है, वही सारी ग्रुप में वायरल हो रही है। तो फिर वहाँ टाइम किल करने का मतलब नहीं होता। आप ऊपर वाले मालिक को यानी अपने एम्प्लॉइज को तो मैं बता सकता हूँ कि 21 दिन बाद 14 तारीख के बाद आपका एक नया रूप निकल के आएगा और वो आपको नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। 21 दिन का वो टाइम पीरियड होता है, साइंटिफिक तरीके से अगर हम किसी आदत को डालते हैं तो वो आदत हमारे अंदर लग जाती है। और बहुत सारे रिसर्च के बाद ये पता चला है कि आदत ही इंसान को सफल बनाती है, या आज जो भी कुछ व्यक्ति है वो अपनी आदतों की वजह से। मेरा फेवरेट टॉपिक है, किसी और दिन इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, बट अभी मैं बात करने वाला हूँ किसकी, बात करने वाला हूँ कि 21 दिन का वो टाइम पीरियड है जब हम एक अच्छी आदत को अपने अंदर डाल सकते हैं। और बुरी आदत भी यहीं से लग सकती है। अगर हम आज लेट उठ रहे हैं तो सोच के देखिए, हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि वो आदत जाने अनजाने हमारे दिमाग में गलत जा रही है, और हम लोग लेट उठ रहे हैं तो 21 दिन बाद वो हमारी आदत में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम खा करके दिन में भी सो जा रहे हैं तो वो भी हमारी गलत आदत हो जाएगी, राइट? तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं? सुबह उठिए जल्दी, जल्दी उठने के बाद आप ढेर सारा गर्म पानी पीजिए, अपने आप को फिट रखिए और घर में ही ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन कर सकते हैं, इसके अलावा आप सुबह उठकर उसके बाद में आप नहा धोकर के पूजा कर सकते हैं, उसके बाद में आपके जो सबसे अच्छे दोस्त हैं जो कभी आपको धोखा नहीं देते, यानी बुक्स, उनके साथ जाइए। ऐसा बोला जाता है कि अपने अनुभव से सीखेंगे तो शायद ये ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी, दूसरों के अनुभव से सीख लीजिए, आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो बहुत सारी किताबें, जो आपका फेवरेट टॉपिक है, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उस पर आप काम करना शुरू कीजिए, राइट? या जो आपका सब्जेक्ट वीक है उस पर काम करना शुरू कीजिए। तो मैंने अभी भी कुछ दिन से काम करना शुरू किया है जब से लॉकडाउन हुआ है, तो मैं आपको वही सलाह दे रहा हूँ। मैंने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया टाइम मैनेजमेंट। ये एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि आप समय को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास, आपके पास, सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन उस 24 घंटे में एक आदमी बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाता है और एक आदमी सिर्फ हैंड टू माउथ ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये किताब आपको सिखाती है। इसके अलावा अभी एक और किताब पढ़ना शुरू किया है जिसका नाम है संकट ही सफलता की नींव है ना। तो संकट ही सफलता की नींव है कि वो किताब है जो ये बताती है कि जब जब संकट आता है तब तब आपको एक नया मौका मिलता है और आप पूरी एनर्जी को संजो करके एक बड़ा काम कर जाते हैं, राइट? तो ऐसी किताबें पढ़िए।
है ना। ये तो मैंने अपने बारे में बताया कि मैं किस तरह की किताबें पढ़ रहा हूँ, ये प्रे करने के बाद मैं फिर पढ़ने वाला हूँ द लीडर इन यू, है ना, डेल कार्नेगी जो बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय लेखक है उनकी किताब है, यानी कि मैं इन किताबों से जुड़ गया हूँ, राइट। वो अपना समय जो लोग ज़्यादातर टिकटॉक वीडियोज़ बनाने में, टिकटॉक वीडियोज़ देखने में, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में देते हैं, वो सारा समय मैं यहाँ दे रहा हूँ, जिससे कि मैं अपने ब्रेन को एक नए नेक्स्ट लेवल पर लेके जा पाऊँ, और जब मैं ऐसा कर पाऊँगा तो मैं डेफिनेटली सफल हो पाऊंगा। तो वही सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस समय अपने घर में सेफ रहिए, कहीं मत जाइए, अपने समय का सही उपयोग कीजिए, और समय का सही उपयोग करने के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, सेल्फ एक्सप्लोर कर दीजिए, भर दीजिए अपने आप को। जब आप निकलेंगे ना तो आप नए व्यक्ति के रूप में होंगे, राइट। एक स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी बात को, एक गाँव में एक जमींदार था और उस जमींदार को एक लकड़ी काटने वाले लड़के की जरूरत थी। जमींदार अपने पुराने जो नौकर हैं उनसे कहते हैं कि मुझे एक लकड़ी काटने वाले लड़की की जरूरत है। तो एक माली जो उनके यहाँ सालों से काम कर रहा होता है, वो कहता है कि मालिक साहब, मेरा लड़का है जो अब बड़ा हो गया है, अगर आप चाहें तो उसे नौकरी पर रख सकते हैं। वो कहता है ठीक है, कर लिया अपने लड़के को। तो वो जब माली अपने लड़के को लेके जाता है तो जमींदार वो देखता है कि माली का लड़का बहुत हसपुष्ट अच्छा है, राइट। वो कहता है ठीक है, तुम हमारे नौकरी करोगे, और उसे एक पुराने देता बोलता है जंगल में जाना है और डेली पेड़ काटते हैं। तो जंगल में लड़का जाता है और पेड़ काटना शुरू करता है, और अपनी जबरदस्त कुल्हाड़ी से, तेज कुल्हाड़ी से वो 10 पेड़ काट देता है। माली बड़ा खुश होता है, वाह लड़का बहुत अच्छा है, लगातार काम करता रहता है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन, लगातार पेड़ों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है। पहले दिन उसने 10 पेड़ काटे, फिर 9, फिर 8, इस तरह से धीरे धीरे पेड़ों की संख्या कम हो गई। तो माली जमींदार को लगता है कि ये लगता है हरामखोरी करने लगा है, ये ठीक से काम नहीं कर रहा। तो जमींदार एक दिन क्या करते हैं, चोरी छुपे जंगल में चले जाते हैं जहाँ लकड़हारा लकड़ी काट रहा होता है। तो माली देखते हैं कि लड़का बैठा तो नहीं, लड़का मेहनत कर रहा, पसीने दे रहा, लेकिन पेड़ नहीं कट रहा है, है ना। तो जमींदार लड़के पास जाता है, पूछते बेटा क्या कर रहे हो कि पेड़ काट रहा हूँ। माली कैसे काट रहे हो, कि जैसे मैं पहले दिन से काट रहा हूँ वैसे काट रहा। तो मालिक उसकी कुल्हाड़ी को देखते हैं जिस पे धार नहीं होती है। तो मालिक कहते हैं कि बेटा अगर इसी तरह से मेहनत करते रहोगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी, तो मुझे क्या करना चाहिए। बोलता है कि सबसे पहले आकर के इस कुल्हाड़ी पे धार रखो, जब इस कुल्हाड़ी पे आप धार रख लोगे तो डेफिनेटली आप एक नहीं 10 पेड़ पहले की तरह काट पाओगे। यानी कि आपको हर दिन ब्रेन को नॉलेज पॉलिश देना होता है, ब्रेन को फीडिंग देनी होती है। जब हम ब्रेन को फीड करते हैं तो डेफिनेटली वो हमें ड्रास्टिक रिजल्ट देता है, बड़े रिजल्ट देता है। इसलिए हमें आज मौका है अपनी कुल्हाड़ी पे धार रखने का। अगर आज हम अपनी कुल्हाड़ी पे धार रखते हैं तो डेफिनेटली सफलता हमारे कदम चुमेगी, बहुत ही जल्दी हम सफल हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, और डियर स्टूडेंट्स अपना समय बर्बाद ना करें, इसे लॉकडाउन 21 डेज को आप चांस की तरह लें, इस पर डांस करके अपने समय बर्बाद ना करें, राइट। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच, एंड घर में रहिए, सेफ रहिए, और अपने आप को एक्सप्लोर कर दीजिए, अपना एक नया वर्जन तैयार कर दीजिए। थैंक यू।